जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हल्दी के डिब्बे में आज ही चुपके से बिना किसी को बताए एक छोटी सी चीज आपको डाल देनी है और माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन संपदा बरसाने लगेंगी और धन संपदा इतनी बरसाएंगी कि आप दोनों हाथों से संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या है तो हल्दी के इस डिब्बे की वजह से आज वो दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि बागेश्वर धाम सरकार में जब एक भक्त ने गुरु जी से प्रश्न किया कि हमारे रसोई घर के कई सारे उपाय हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा उपाय बताइए गुरुजी, जिससे ही तुरंत ही मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। अलग अलग उपाय मैं नहीं कर सकता, तो एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। तो गुरुजी ने हल्दी का वही उपाय बताया है जो कि मैं अभी आपको जन साधारण भाषा में सभी को समझाने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये कितना गुणकारी उपाय है और आपके घर में धन संपदा सोने की तरह बरसेगा। जिस प्रकार हल्दी का रंग होता है सोने का, उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा, धन लक्ष्मी, सोना चांदी बरसना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हर घर में हल्दी होती है, हल्दी का उपयोग हर काम में किया जाता है, हल्दी शुभ कार्यों में भी जरूरी होती है और किचन की शान भी हल्दी ही होती है। इसके बिना खाना भी नहीं बन पाता है। हल्दी के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं आता है, बिना हल्दी के खाना ही नहीं बन पाता है और शुभ मंगल कार्यों में भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को सर्दी जुखाम हो या खांसी हो तो ऐसे में उसे दूध में हल्दी डालकर ही दिया जाता है और हल्दी स्किन के लिए भी फायदेमंद है। स्किन संबंधी बीमारियों में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही हल्दी लगाई जाती है क्योंकि ये शुभ होता है। आप एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे होते हैं, इसलिए दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। हल्दी का उपयोग आज करते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़े दौड़े आपके घर चली आती है। खासकर शुक्रवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का वार ही शुक्रवार है और हल्दी के उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आपके घर पर बनाए रखती है। ज्योतिष में कई परेशानियों को दूर करने का उपाय भी हल्दी ही होता है और हल्दी पीली वाली होती है, वह बृहस्पति में भी संबंध रखती है। अब गुरु की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो तुरंत ही दूर होगी। धन से संबंधित, संतान से संबंधित या फिर आपके कैरियर से संबंधित कोई भी मामला क्यों ना हो, हल्दी के प्रयोग से एक ही झटके में आप सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में डाल दे आज ही चुपके से ये चीज, माँ लक्ष्मी दोनों हाथ से आपके घर में धन बरसाना शुरू कर देगी। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ज्योतिष के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो आपका विवाह जल्दी ही हो जाता है। या जिन लोगों को विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, विवाह टिकता नहीं है, पारिवारिक झगड़े होने की वजह से बार बार शादी टूट जाती है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको एक चुटकी हल्दी लगातार 95 डे यानी कि 95 दिनों तक लगातार एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर आपको स्नान करना है और अपने सर के नीचे या तकिए के नीचे पीले कपड़े या किसी कागज में भी हल्दी बांधकर आपको रख लेना है। हल्दी से एक स्वास्तिक का चिन्ह आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी बना लें। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही किसी की बुरी नजर आपके घर पर पड़ेगी और कैरियर में सफलता पाने के लिए आपको माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन एक चुटकी हल्दी जरूर चढ़ानी है। इससे आपको बहुत लाभ होगा, कैरियर में सफलता जरूर मिलेगी, धन दिखने लगेगा। और अगर आप सुबह सुबह नहाने के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़ी सी हल्दी लगाकर खुद के माथे पर और कंठ या फिर कलाई पर तिलक लगाकर बाहर निकलते हैं तो आपके कार्य बनने लगते हैं। कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। तमाम कार्यों में सिद्धि होती है। यदि किसी को बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष है तो ये हल्दी आपके घर के वास्तु को भी दूर करती है।
एक चुटकी हल्दी को पीले कपड़े में बांध कर आप अपने पूजा वाले स्थान पर जरूर रखिए दोस्तों। ये हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हैं। आप किचन में जो हल्दी रखी होती है उसमें आपको क्या रखना है, तो वहां पर रखना है आपको 1 रुपए का सिक्का। बिना किसी को बताए आप हल्दी के डिब्बे में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती है और सदैव आपके घर में विराजमान होने लगती है। आपने ये बात तो सभी से सुनी होगी कि जो धन लक्ष्मी है या लक्ष्मी किसी के भी घर टिकती नहीं है, तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि धन आपके घर में टिकना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 रुपए का सिक्का अपने हल्दी वाले डिब्बे में जरूर डालकर रखना है। एक और ऐसी चीज है जिसे कि आप चाहें तो अपने हल्दी के डिब्बे में छुपा करके रख सकते हैं। आपको वो चीज डाल देनी है जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आप पर हमेशा बरकत बनी रहेगी, खूब सारा जमकर पैसा आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में बरसेगा। आप हल्दी के डिब्बे में 1 साबुत लाल मिर्च डाल दें। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पूरी की पूरी साबुत लाल मिर्च की बात कर रही हूँ। 1 डाल देनी है आपको हल्दी के डिब्बे में। आप चाहे तो 5 या 11 भी डाल सकते हैं और इसे आप शाम के समय में, संध्या काल के समय में चुपके से किसी को भी बिना बताए आपको हल्दी के डिब्बे में इसे रख देना है और आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में खूब धन आएगा। ये एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। एक और चीज जो बागेश्वर धाम सरकार में गुरु जी ने बताई वो चीज ये थी कि हल्दी के डिब्बे में आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करिएगा। आपको 2 दाने मिश्री के हल्दी के डिब्बे में आप डाल सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। धन धान्य में वृद्धि होने लगती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है। हल्दी का प्रयोग माता लक्ष्मी के सामने हल्दी की पोटली बांधकर सदैव आपको रखना चाहिए। एक और वास्तु टिप मैं आपको बताना चाहूंगी कि किचन में कभी भी हल्दी का डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, सदैव आधे से ज्यादा ही भरकर आपको रखना चाहिए। धन में बरकत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है, दोनों हाथों से धन बरसता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो आपको हल्दी के डिब्बे में 2-3 दाने धनिये के डाल देने चाहिए। यकीन मानिए कलेश बिल्कुल ही मिट जाएगा, लक्ष्मी जी की ज्यादा से ज्यादा कृपा आप पर बनी रहेगी और आप हल्दी के डिब्बे में काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काली मिर्च डालने से क्या होगा, तो मैं यहाँ बता दूं कि आपके घर में बात बात पर अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में पैसा टिकता नहीं है, कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया है, तो कर्ज मुक्ति के लिए आप हल्दी के डिब्बे में 2-3 काले मिर्च के दाने डाल दें। ऐसे में आपका कर्ज बहुत जल्दी चुक जाएगा और आने वाले समय में कभी भी आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये वीडियो मार्गदर्शन पसंद आया होगा। मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर क्यों करें, तो इसलिए करें ताकि आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और दोष भी दूर होते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम।